हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज एक ज़रूरी खबर आप लोगों को सुनानी थी। ज़रूरी खबर यह है कि इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो उस गड्ढे में सबसे पहले आप खुद गिर जाओगे। इसीलिए दोस्तों दूसरे के लिए गड्ढा कभी ना खोदे। दूसरे के लिए गड्ढा खोदिएगा और उसमें खुद गिर जाइएगा। ये ऐसा हो रहा है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप जो चड्डी छाप पत्रकार, चड्डी छाप नेता था, उसके लिए ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि मनीष कश्यप दूसरे की रिलाई करता था, दूसरे की रिलाई करते करते आज उसकी ऐसी रिलाई हो रही है कि उसको तो नानी याद आ गई होगी। उसको नानी याद आ गई होगी। दोस्तों देश के अंदर कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था पे, संविधान पे सब लोगों को भरोसा रखना चाहिए। इतनी भी आगे जा करके इतनी भी सनक ना दिखाओ कि ताकि आपको ऊपर वाला भी माफ़ ना कर पाए। दोस्तों ज़रूरी खबर यह है कि बहुत सारे यूट्यूबर उसके लिए कमेंट्री करता है। हम कमेंट्री करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ ये बताने आए हैं कि जितनी रिलाई वो दूसरे की कर रहा था, दूसरे की रिलाई करते करते आज उसकी खुद की रिलाई हो गई। आज उसकी रिलाई इस तरीके की हो गई दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया है कि आपने जो अच्छे प्रदेश को आप माहौल ख़राब करने की कोशिश की, आपकी कोई भी याचिका पे हम सुनवाई नहीं करेंगे। अगर आपको सुनवाई करना है, आप पे NSA लगा है, जो भी लगा है, आप पे सुनवाई अगर करवाना है तो आप चले जाइए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में भी वहाँ सुनवाई होगा कि नहीं होगा इसकी भी कोई मतलब गारंटी नहीं। तो इसमें अगर वो इतना गलत नहीं था तो अदालत सुनने से इनकार क्यों करती। अदालत तो सबको न्याय देती है, तो क्या आप लोगों को अदालत के ऊपर भरोसा नहीं है? क्या हमारे कोर्ट पे आप लोगों को भरोसा नहीं है कि आप लोग आवाज़ उठा रहे हो? अगर मनीष कश्यप निर्दोष होता तो अब तक वो बेल पे, जमानत पे बाहर आ चुका होता। निर्दोष नहीं है, उस पर जाँच चल रही है और आप लोग पहले से ही उस पर आशंका लगा देते हो। आप लोग इस तरीके का काम मत करिए। अदालत को अपना काम करने दीजिए। माननीय अदालत का जो भी फैसला होगा उसको सलाम है, लेकिन आप लोग पहले से ऐसे मत कीजिए। और दूसरी बात है कि ये चड्डी छाप पत्रकार था और चड्डी छाप पत्रकारिता ही करता था, और दिन रात गाय गोबर हिंदू मुस्लिम के अलावा इसको कोई टाइम ही नहीं था दूसरी बात करने की। ऐसे पत्रकार को हम पत्रकार तो मानते नहीं है, क्योंकि ये पत्रकार है भी नहीं। जो आदमी चुनाव लड़ेगा वो पत्रकार नहीं होगा। ये विधायकी का चुनाव लड़ा था, बेचारे को 2500 कुछ वोट आया था। तो ऐसे लोग जो है पत्रकार नहीं हो सकते, स्वतंत्र पत्रकार नहीं हो सकते। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैंने क्या सही कहा और क्या गलत कहा।